हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखे। धन्यवाद। पंच कमेटी मुस्लिम काकर समाज रस्सीवाला बिरादरी के जानिब से काकर समाज के 22वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश बुरहानपुर के रस्सी मोहल्ला आलमगंज मालीवाड़ा में किया गया, जिसमें मुफ्ती रहमत उल्लाह साहब कासमी की सदारत में 11 जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया। पंच कमेटी मुस्लिम काकर समाज के अध्यक्ष अब्दुल अजीज काकर ने बताया कि पंच कमेटी मुस्लिम काकर समाज रस्सीवाला बिरादरी द्वारा 7 जनवरी को समाज के 22वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़ों का निकाह कराया गया। उन्होंने बताया कि आज हुए मुस्लिम काकर समाज के 22वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुरहानपुर के पूर्व विधायक हमीदुद्दीन ने शिरकत कर जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, नेता प्रतिपक्ष अकील औलिया, हाजी हमीद सेठ, पार्षद सुरेश महाजन, श्याम सेठ ने भी शिरकत की। सम्मेलन में गुड्डू भाई रस्सीवाला, रियाज वजीर काकर, मुस्ताक करीमी राजस्थान से, शेख राजू भाई बर्तनवाला, सफी हाजी साहब, जावेद काकर धुलिया, अलाउद्दीन परली आकोट, पत्रकार अहमद काकर सहित काकर समाज के हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस निकाह के अंदर सबसे ज्यादा बरकत होती है, उस निकाह के अंदर मियां बीबी को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है और निकाह के बाद जो उनकी ज़िंदगी गुजरती है उस निकाह की वजह से जो निकाह आसान होते हैं। और इज्तिमाई निकाह के अंदर यही अमल होता है कि निकाह को आसान किया जाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बिरादरी वालों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है और इज्तिमाई निकाह का इनेकाद किया है। ये बहुत सारी फजूल खर्ची को रोक देता है। अब आप देखिए, अगर यही जोड़े अगर अलग अलग निकाह करते तो कितना खर्च होता, लेकिन ये सब ने एक साथ मिलकर निकाह किया तो इससे बिरादरी का और लोगों का वक्त भी बचा, पैसा भी बचा और इस्लाम का एक जो खूबसूरत अमल है निकाह वो भी मुकम्मल हुआ। आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितना निकाह आसान था,